इसको फेंकते हैं, ठीक है। राय तो ये एक जगह सुल्तान को ढूंढती है जहाँ पे खूब सारे पत्थर फेंके, जब ये थक जाएगा फिर इसको वापस ले चलेंगे। ये गई लग गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैंने और सुल्तान ने तैयारी पकड़ी हुई है कि मंगला डैम का पानी चढ़ रहा है काफी तेजी के साथ, वो आज देखने के लिए जाएंगे। मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ हुआ है, ज्यादा धूप में मजा नहीं आता क्योंकि गर्मी होती है काफी। अभी वापस से बादल आ चुके हैं, अभी यहाँ से ये मौसम क्लियर था ना, अभी बादल आ गए हैं और हमने जाना है वहाँ पर, ठीक है। ये पानी जो है ना ये चढ़ रहा है, पानी यहाँ से चढ़ रहा है और इसको देखने के लिए मैं और सुल्तान जा रहे हैं। सुल्तान ने ग्लासेस वगैरह पहन लिए हैं। यहाँ से हम चलेंगे और रास्ते में पप्पू भाई के घर से नुमान या इरफान को उठाएंगे और वो हमारे साथ चलेंगे जहाँ पे पप्पू भाई काटते हैं भैंसों के लिए चारा, वो डेली लेके आते हैं। वहाँ तक पानी आ चुका है, इसलिए मैंने कहा चलो वो थोड़ी सी अलग प्लेस है, डिफरेंट प्लेस है, पहले उस जगह पर मैं नहीं गया हूँ कभी भी, ये फर्स्ट टाइम है। क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि हवा हो, अगर हवा होगी तभी मज़ा आएगा। चलो भाई तैयार हो, तैयार हो, चलो आओ। लो जी सुल्तान बैठ गया है और बाबा का वेट कर रहा है, चलो आओ चलें। हवा चल रही है, मुझे इंतज़ार हवा का था क्योंकि डैम के पानी में जो वेव्स आती हैं ना या हवा चलती है वह बहुत बहुत मज़े की होती है और वो मैंने देखनी है। इरफान हमारे साथ चलेगा, आज इरफान को पिक कर लिया है, अब चलते हैं डैम वाली साइड पे और कोशिश करूँगा मैं आपको रास्ता भी दिखाऊँ कि किस तरह का है। इस वक्त सुल्तान सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है। सुल्तान किधर जा रहे हो? गाइस अब पहुंच आए हैं डैम के पास, बाइक अपना ये पार्क है और सुल्तान और इरफान आगे चलेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सी गंदम लगी हुई है, इधर से चलते हैं वरना दूसरा रास्ता वहां से था। और ये अपने पप्पू भाई घूम रहे हैं, मुझे क्या हाल है तुसा के रस्ते मोटरसाइकिल आंदा है।
थोड़ी माड़ी है, बाकी चंगी कणक ही है। आज तो पप्पू भाई इसलिए यहाँ पे आए हैं कि पानी चढ़ रहा है डैम का। ठीक है, ये गंदम जो है ना ये डूबना शुरू हो जाएगी वहाँ से लेकर ना ये जहाँ तक ये उंगली का इशारा ना यहाँ से होते हुए यहाँ तक ये सारी गंदम पप्पू भाई ने ली हुई है, इस साइड ये वाली भी। ठीक है, ये थोड़ी सी पतली है क्योंकि ऊंचाई में थी, बाकी उस साइड वो भी ठीक है, ये सारी भी ठीक है। और बाइक पप्पू भाई का वो खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से नीला काटेंगे, नीला काट के लेके जाएंगे अपनी पप्पू के लिए। पानी आ गया ऑलमोस्ट, बिल्कुल करीब है। और सुल्तान आहिस्ता 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 चल रहा है। ये ग्लासेस मुझे दे दो। चलो आप इजी हो जाओगे। ठीक है, अब ये ग्लासेस बाबा पहन लें। राई उठा दे किसी पहले जरा डैम चढ़ा है दोबारा। हाँ, डूबी गई सी नीचे दिख रहा है, मुड़ी मैं नहीं राई सी, फिर वो नीला ही है सारा, ये सारी कौन लगी है वो दुनिया लगी है। ए नहीं कपड़ी नहीं, कपड़ी भी छोड़ा तो चाह नहीं होगी। आज तो हमारे अलावा काफ़ी लोग आए हुए हैं गंदम काटने के लिए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चढ़ा है। ठीक है, ये देखो ये लोग आए हुए हैं, कुछ फैमिलियों के साथ आए हुए हैं, कोई कैसे कोई कैसे, और इस साइड पे भी लोग आए हुए हैं, वो देखो। और आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में भी लोग आ रहे थे, राठियाँ हाथ में पकड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता से चल रहे थे। सब लोग यहीं पे आ रहे हैं क्योंकि जो जाहिर सी बात है ये पानी सब किनारे पे लग रहा है और बहुत तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ाएगी। अब हम चलते हैं पानी की तरफ, पानी के पास। कह रहे इस साइड जाते हैं लेकिन यहाँ पे आके ना घास में पानी है, इसलिए हम आगे वाले किनारे पर चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा साफ भी है। चलो जी, चल चल ये ले लो जी। सुल्तान के लिए मैंने पत्थर उठा लिए क्योंकि ये पत्थर नहीं 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 आगे चलो ना, मैं ये देखो मैंने पत्थर उठा लिया ना, तो मैं आगे चल रहा हूँ, फिर इसीलिए सुल्तान पीछे आएगा। ये हमारे भी बचपन के शौक थे पानी में पत्थर फेंकने के, कैसे खुश हुआ है, है? बस इधर इधर से हम फेंकेंगे। ठीक है, ये जगह ठीक है, बेस्ट प्लेस। ये तो और भी पत्थर हैं, ये लो ये तीन पूरे हो गए हैं। कैसे उठाओगे? ये लो बाबा उठाते हैं, ये आपकी तरफ से, ये सुल्तान की तरफ से हम पानी में फेंकने लगे हैं। ओए देखो पानी आगे आगे ना जाना, आगे पानी है, देखा है कैसे वेव इधर आई हुई है, देख नीचे पानी है, देख देख यहाँ पे पानी आ गया। आज इस मौसम का मुझे इंतज़ार था कि आवाज़ चल रही है बहुत ही प्यारी, और ये मंगला डैम है, मंगला डैम का पानी चढ़ा है और इस साइड पे जल्दी जल्दी लोग अपनी गंदम काट रहे हैं। ये हमारे सामने जो लगता है ये सामने चकसवारी है, ये सारा चकसवारी है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ये और भी पत्थर मुझे मिल गए हैं। ओए होए ओए होए ओए होए, खुश किधर गया भाई सुल्तान? ये लो वो गंदा है कचरा है, ये फेंको। थैंक यू। ओए क्या चीज़ है?
तो हम वहाँ से होते हुए आगे आ गए हैं और यहाँ पर पत्थर भी बड़े हैं, सुल्तान की मौज लगी है और यहाँ पे वेव भी बड़ी ज़्यादा हैं। ये वेव्स बहुत अच्छी हैं। आगे चलते हैं, आओ सुल्तान, पत्थर आपको मिल गए हैं बहुत सारे, वो आगे चलते हैं, उधर पत्थर बहुत हैं, आओ। गंदम भी, पत्थर भी, किनारा भी, पानी भी, हवा भी, सब कुछ इधर ही मिलेगा, बहुत ही क्लासी जगह। वो किधर गया है? आओ उधर चलते हैं, आओ चलो। ये देखो, ये सही जगह है, पत्थर भी फेंको। आओ वो देख, आगे ना जाना ज्यादा। वो आई आई वेव्स आई, बड़ी बड़ी वेव्स आई है। चल ये ग्लासेस मुझे दे दो, ये हम ग्लासेस मुझे दो यार। ये देखो क्या है, सिंगनी लकड़ी है। वो तो इसको फेंकते हैं, ठीक है। ओ वापस आएगी, पता नहीं शायद ये वो लकड़ी है जो फेंकी है, शायद ये वापस आ जाए। लेकिन सुल्तान पूरे जोश में है। गाइस ये एग्जैक्ट इस मंगला डैम का मिडल है, ठीक है, जहाँ पे सुल्तान पत्थर फेंक रहा है। और बारिश बनना शुरू हो गई है इस साइड से, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लहरें आ रही हैं और सुल्तान आगे जाने की कोशिश कर रहा है। आज वेव भी काफ़ी ऊंची हो रही हैं और अब हम चलेंगे वापस, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब वापस जाना शुरू हो गए हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये लोग वापस जा रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता से। आओ चले सुल्तान, ये साइड पर इधर आ जाओ। गाइस तो ये एक जगह सुल्तान को ढूंढती है जहाँ पे खूब सारे पत्थर फेंके, जब ये थक जाएगा फिर इसको वापस ले चलेंगे। वो हम भी पत्थर फेंक देना, ये लो। गाइस तो मैं भी आराम से बैठ गया हूँ उस साइड पे, खान यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है मंगला का और हवा चल रही है बड़े मज़े की। सुल्तान को फिलहाल फ्री हैंड दिया हुआ है, जितने मर्जी पत्थर फेंके। आज जो हमने लकड़ी फेंकी थी ना वो इधर आ गई है तैर। ये ये गई लग गई। इधर आ, गाइस यहाँ से मंदिर भी नज़र आ रहा है जहाँ पे हम गए थे, शिव मंदिर, और एक छोटी बोट जो है ना जा रही है पानी के अंदर इस मंगला डैम के अंदर। हवा तेज़ है और अब हम चलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि सुल्तान कंट्रोल से बाहर हो रहा है, उसका शो ख़त्म नहीं हो रहा और हम थक गए हैं। अब ना आगे जाए, इधर से फेंक, ये लो, ये देख, ये क्या पता नहीं किधर वो।
बस 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 सजना बस नो 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 आप चलो वापस वापस। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे ग्लासेस पे। चलो बस बस, अभी ये ग्लासेस आपको घर का रास्ता बताएंगे। गाइस वापस इधर पप्पू भाई कार्ट ऐसे चारा इधर आए हैं, लेकिन पप्पू भाई कोई नहीं है, बाइक इनका इधर ही है। आवाज तेज चल रही है, बाल भी जो है ना सारे बिखरे हुए हैं। पप्पू भाई किधर हैं? वो ऊपर लगे हुए, ये चारा काट रहे हैं। आओ तो वापस बाइक अपनी के पास पहुंच आए हैं, और इरफान और सुल्तान इधर से आए थे गंदम के अंदर से। गाइस चल रहे हैं वापस घर, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वीडियो के एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।